नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। संसद इस हफ्ते कार्यक्रम में स्वागत है आपका। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। ये सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। राज्यसभा के लिए ये 248वां सत्र है तो 16वीं लोकसभा का आखिरी सत्र। इस सत्र के दौरान अंतरिम बजट को संसद की मंजूरी मिलनी है। इस दौरान दोनों सदनों में अंतरिम बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर भी दोनों सदनों में चर्चा होगी। साथ ही सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित कराना चाहेगी। इस हफ्ते 31 जनवरी से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यसभा के लिए ये 248वां सत्र है, वही 16वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। 31 जनवरी से शुरू हुआ ये सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को सेंट्रल हॉल में संबोधित किया। इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें और 21वीं सदी में भारत की प्रतिष्ठा को नए शिखर पर पहुंचाएं। जय हिंद। गुरुवार को राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद राज्यसभा की बैठक शुरू हुई। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सदन के पटल पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखी। सर, विद योर काइंड परमिशन आई राइज टू ले ऑन द टेबल ए कॉपी इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर ऑन द 31st of January 2019। महासचिव ने राज्यसभा के 247वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं से पारित और राष्ट्रपति के ओर से सहमति प्रदान किए गए विधेयकों का विवरण भी सभा पटल पर रखा। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi showing the bills passed by the Houses of Parliament during the 247th session of the Rajya Sabha and assented to by the President. Rajya Sabha में गुरुवार को दिवंगत पूर्व सदस्यों जॉर्ज फर्नांडिस और सीताराम सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। The George Fernandez represents the state of Bihar in this house from August 2009 to July 2010. In the passing away of Sri George Fernandez, the country has lost a veteran trade unionist, a distinguished parliamentarian, an able administrator and a dedicated social activist. बजट सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया गया। मैडम स्पीकर, मैं वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार के अनुमानित प्रतियां और व्यय का वितरण प्रस्तुत करने के लिए आपसे अनुमति लेता हूं। लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किए जाने के कुछ देर बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में 2019-20 के अंतरिम बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति, सह वित्तीय नीति, रणनीति बयान और स्थूल आर्थिक रूपरेखा बयान सदन के पटल पर रखा। इसके बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। The House stands adjourned till 11 hours on Monday, 4th February 2019। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने विपक्षी दलों को सलाह देते हुए कहा कि संसद की गतिविधियों को जनता बारीकी से देखती है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हर विषय पर चर्चा करने के लिए हम उत्सुक हैं। मैं स्वागत करूंगा खुले मन से चर्चा का, मैं स्वागत करूंगा सदन की कार्यवाही अच्छे ढंग से चले इसका, मैं स्वागत करूंगा कि यहाँ सभी सदस्य मिलकर के भावी भारत के निर्माण में कुछ न कुछ योगदान देने का गर्व प्राप्त करें। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू के पहल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच बजट सत्र के दौरान प्रमुख विधेयकों को चर्चा कर पारित कराने को लेकर सहमति बन गई है।
बजट सत्र के दौरान उच्च सदन की बैठक में कामकाज को सुचारू बनाने के लिए सभापति के अनुरोध पर सभी दलों के बीच सहमति कायम होने के बाद पहले से लंबित 6 विधेयकों और एक अध्यादेश को उच्च सदन से पारित कराने की राह निकल आई है। जिन 6 लंबित विधेयकों को लेकर ये सहमति बनी है उनमें कंपनी संशोधन विधेयक 2019, मानव तस्करी निषेध संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018, मध्यस्थता संशोधन विधेयक 2018, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2019, पर्सनल लॉ संशोधन विधेयक 2019 के साथ ही आधार और अन्य अधिनियम संशोधन विधेयक 2019 शामिल हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उच्च सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 से 6 फरवरी के बीच चर्चा की उम्मीद है। वहीं बजट पर 7 और 11 फरवरी को चर्चा होने की उम्मीद है, जबकि अन्य लंबित विधेयकों को 12 और 13 फरवरी को चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4.5 साल में सरकार ने लोगों को नई आशा और विश्वास दिया है और देश का सम्मान बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। अभिभाषण में उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रम का जिक्र किया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के नए सशक्त और समृद्ध भारत के लिए निर्णायक है। राष्ट्रपति ने किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के प्रयासों, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और जीएसटी का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2014 में देश अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था और एनडीए सरकार ने एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। चुनाव के बाद मेरी सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। एक ऐसा नया भारत जहां व्यवस्थाओं में अधूरापन और अकर्मण्यता ना हो, जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां अस्वच्छता के लिए कोई स्थान ना हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि एनडीए सरकार ने देशवासियों की भावनाओं को समझा और सरकार का लक्ष्य तय किया। गरीब माँ जो लकड़ी के धुएं में खाना बनाती थी, वो बेबस बहन जो पैसे की चिंता में गंभीर बीमारी के बावजूद अपना इलाज टालती थी, वो बेटी जो शौच जाने के लिए सूरज ढलने का इंतजार करती थी, वो बच्चा जो बिजली के अभाव में पढ़ाई के लिए सूरज की रोशनी का इंतजार करता था, वो किसान जो ओले से फसल बर्बाद होते देखकर कर्ज चुकाने की चिंता में घिर जाता था, वो युवा जो कर्ज न मिल पाने के कारण अपना रोजगार शुरू नहीं कर पाता था, ऐसे ही असंख्य असहाय चेहरों ने मेरी सरकार के लक्ष्य तय किए। राष्ट्रपति ने कहा कि एनडीए सरकार ने गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर ऐतिहासिक फैसला लिया। बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह पहल देश के उन गरीब युवक युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण में कहा कि सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रयत्नशील है, साथ ही किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। खेती पर होने वाला खर्च कम करने, किसानों को फसल की उचित कीमत दिलाने, नए बाजार मुहैया कराने तथा कृषि क्षेत्र में आय के नए साधन जोड़ने के लिए नई सोच के साथ काम किया जा रहा है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं। साथ ही पिछले 4.5 वर्षों में कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा गया है। हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थी। पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश परिश्रम और समय ईंधन जुटाने में लग जाता था। ऐसी बहनों बेटियों के लिए मेरी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन दिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक 9 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98% हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40% से भी कम था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान केंद्रीय कक्ष 147 बार सदस्यों की मेज की थपथपाहट और तालियों से गूंजा। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले और अंतिम पैरे का अंग्रेजी अंश पढ़ा। संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी दो स्थितियों का जिक्र है जब राष्ट्रपति विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर अब निचले सदन की पहली बार बैठक होगी। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। इसे ही राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में 1 फरवरी को 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसमें देश भर के मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देने से जुड़े प्रस्ताव पेश किए गए। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का भी खास ध्यान रखा गया है। सरकार ने अगले 10 साल के लिए विजन को भी अंतरिम बजट में जगह दी। पहली बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा सरकार ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बातें होंगी। बजट सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। सरकार ने इनकम टैक्स के मोर्चे पर आम आदमी को राहत देने से जुड़ा बड़ा ऐलान किया। बजट प्रस्ताव के मुताबिक देश में 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं को 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा बैंकों और डाकघरों में कराई जाने वाली एफडी के ब्याज पर 40,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले ये सीमा 10,000 रुपए तक ही थी। अब दूसरे घर से मिलने वाले अनुमानित किराए पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। इससे आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा किराए पर स्रोत का TDS कटौती की सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव भी किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपए तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से 2 आवासीय मकान तक बढ़ाया जाएगा। वहीं सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि आयकर कानून की धारा 80 IBA के तहत 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई जा रही है। अंतरिम बजट के बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराए पर आयकर की छूट 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने का प्रस्ताव भी किया गया। देश के इतिहास में आज तक इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट नहीं दी गई। The existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also. I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. 6.5 lakh tak jab aap ye investment karte ho to 6.5 lakh tak bhi koi tax nahi aayega agar aap investment karte ho specified savings mein.
अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए खास इंतजाम किए गए। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निःशुल्क LPG कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 2 करोड़ कनेक्शन अगले साल तक वितरित कर दिए जाएंगे। अंतरिम बजट में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1,330 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मद में मिशन के लिए 2018-19 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 174 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं ही हैं, जिन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना गारंटी के लोन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से 60 साल की उम्र से 3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव किया है। इसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नाम दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 सालों में असंगठित क्षेत्र के कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बन जाएगी। हाफ ऑफ इंडियाज GDP कम्स फ्रॉम द स्वेट एंड टॉयल ऑफ 42 करोड़ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। घरेलू कामगार भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। वी मस्ट प्रोवाइड देम अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी कवरेज फॉर देयर ओल्ड एज। देयरफॉर इन एडिशन टू द हेल्थ कवरेज प्रोवाइडेड अंडर आयुष्मान भारत एंड लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवरेज प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आर गवर्नमेंट प्रपोजेस टू लॉन्च अ मेगा पेंशन योजना नेमली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। सरकार ने भारत को एक आधुनिक तकनीक से संचालित और उच्च विकास दर के साथ एक समान और पारदर्शी समाज बनाने के मकसद से 2030 के लिए विजन के 10 आयाम भी तय किए हैं। इस विजन का पहला आयाम है अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाना। भारत अगले 5 वर्षों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने की ओर अग्रसर है और इसके बाद ये $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। दूसरे आयाम के तहत एक ऐसे डिजिटल भारत का निर्माण करना है जहां देश का युवा वर्ग डिजिटल भारत की अगुवाई करेगा। इस दौरान स्टार्टअप और इकोसिस्टम के जरिए रोजगार के लाखों मौके बनेंगे। प्रदूषण मुक्त भारत के निर्माण के लिए सरकार तीसरे आयाम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान देगी। आधुनिक डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीण औद्योगिकीकरण के विस्तार के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन करना भी सरकार के आयामों में शामिल है। देश में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल के साथ स्वच्छ नदियों और लघु सिंचाई तकनीकों को अपनाने से सिंचाई में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सागरमाला कार्यक्रम के प्रयासों में तेजी लाने के साथ देश के तटीय और समुद्री मार्गों के जरिए देश के विकास को सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। सरकार अंतरिक्ष कार्यक्रमों के विकास पर भी जोर देगी। अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान भारत दुनिया के उपग्रहों को छोड़ने का लॉन्च पैड बन चुका है और 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना इस आयाम को दर्शाता है। जैविक तरीके से खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न निर्यात में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और विश्व की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का निर्यात करना भी विजन में शामिल है। 2030 तक स्वस्थ भारत और एक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक आरोग्य प्रणाली के साथ साथ आयुष्मान भारत और महिला सहभागिता भी विजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। आखिरी और 10वें आयाम के तहत भारत को न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन वाले एक ऐसे राष्ट्र का रूप देना जहां एक चुनी हुई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सहकर्मियों और अधिकारियों के अभिशासन को मूर्त रूप दिया जा सकता है। हम देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का एक अग्रणी देश बनाएंगे। हम सब ने साथ मिलकर अभी नींव रखी है। वी हैव ओनली क्रिएटेड द फाउंडेशन। अब भारत की जनता के साथ मिलकर इस देश की भव्य इमारत बनाने जा रहे हैं।
अंतरिम बजट के आने वाले सालों के लिए विकास कार्यों से जुड़े एजेंडे का उल्लेख भी किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये सिर्फ अंतरिम बजट नहीं बल्कि देश की विकास यात्रा का उत्सव है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो 2019-20 के अंतरिम बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और इस बजट में किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पहली बार किसानों के न्यूनतम सहायता राशि का ऐलान किया गया और 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% तय किया गया। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत बेहद मजबूती से विकास के ट्रैक पर वापस आ गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि देश का 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ संसद इस हफ्ते में। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर के किसानों को राहत देने से जुड़े बड़े फैसले का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर में 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को सरकार की तरफ से हर साल 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाएगी। ये मदद 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में लाभार्थी किसान के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। सरकार के इस फैसले से देश भर में 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। इस कार्यक्रम से सालाना 75,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों को ही फायदा पहुंचाने के मकसद से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए किया गया है। गौ संसाधनों के अनुवांशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा। 1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मत्स्य पालन विभाग भी बनेगा। पशुपालन और मछली पालन कार्यों में लगे किसानों को 2% ब्याज सब्सिडी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा लोन सही वक्त पर चुकाने पर उन्हें 3% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। All farmers affected by severe natural calamities, where assistance is provided from the National Disaster Relief Fund, will be provided the benefit of interest subvention of 2% and prompt repayment incentive of 3% for the entire period of reschedulement of the loan. एक वर्ष के बदले पूरा जो समय reschedulement का है, पूरे समय उनको 2% और समय पे नए समय पे वापस देने पे 3% और यानी 5% ब्याज में उनको छूट मिलेगी। मनरेगा के लिए सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 10% आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25% अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जाएगी। शहरों और गांव के बीच की खाई को पाटने और गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्ष्य अव्यय पर सरकार का जोर रहेगा और देश के सभी परिवारों को इस साल मार्च तक बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। अंतरिम बजट में देश के रक्षा बजट को भी बढ़ाया गया है। 2019-20 के लिए रक्षा बजट के लिए 3,05,296 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश सीमाओं को सुरक्षित करने और उच्चतम स्तर की तैयारियों को बनाए रखने के लिए जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त निधियां प्रदान की जाएगी। The government has also announced substantial hike in the military service pay of all service personnel and special allowances given to naval and air force personnel deployed in high risk areas. Our defense budget, Madam Speaker, ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि इस वर्ष पहली बार हमारा डिफेंस बजट 3,00,000 करोड़ से बढ़ के 2019-20 में प्रावधान किया गया है। सरकार ने अंतरिम बजट में रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अवसंरचना आवंटन को 21% बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे का समग्र पूंजीगत व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपए का है। देश को डिजिटल बनाने की दिशा में अंतरिम बजट में खास कोशिश की गई है।
अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में 1,00,000 गांवों को डिजिटल किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहायता के लिए एक नवीन राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल का गठन भी होगा। We are proud of the hard work and innovative ideas of our youth. In order to take the benefits of artificial intelligence and related technologies to the people, a national program on artificial intelligence has been envisaged by our government. This would be catalyzed by the establishment of the National Center on Artificial Intelligence as a hub along with centers of excellence. 9 priority areas have been identified. A national artificial intelligence portal will be developed soon. इस बार के अंतरिम बजट में देश के सबसे अधिक वंचित नागरिकों के कल्याण पर भी ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ऐसे समुदाय की पहचान के लिए नीति आयोग के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ऐसे समुदाय के लोगों के लिए कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के मकसद से एक कल्याण विकास बोर्ड की स्थापना करेगी। ये बोर्ड पहुंच से दूर इन समुदायों के कल्याण के लिए विशेष कार्य नीतियां बनाएगा और इन नीतियों को लागू करना सुनिश्चित करेगा। वित्त मंत्री ने भारतीय फिल्म निर्माताओं को एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा देने की घोषणा की। पहले विदेशी फिल्म निर्माताओं को एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा मिलती थी, अब ये सुविधा भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी उपलब्ध होगी। पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमाटोग्राफ अधिनियम में संशोधन करने का ऐलान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।